एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रन का टारगेट दिया था, मगर इसके बाद पाकिस्तान की पारी बारिश के कारण शुरू भी नहीं हो सकी। इस तरह दोनों ही टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा। इंद्रदेव ने पाकिस्तान को सुपर फोर में ऑटोमेटिकली क्वालिफाई भी करवा दिया, क्योंकि उसने अपने पहले मैच में नेपाल को हराया था। अब भारत का अगला मुकाबला भी सोमवार को नेपाल से ही होगा, जिसे अगर मैन एंड ब्लूज जीत जाते हैं तो सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। मैच की बात करें तो इसमें रुक रुक कर बरसात होती रही, जिसके चलते कम से कम 3 बार मैच रोकना पड़ा। भारत की पारी खत्म होते ही बारिश और तेज हो गई, जो अंत तक नहीं थमी। भले ही ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पंड्या के बीच 5वें विकेट की पार्टनरशिप सदियों याद रखी जाएगी। दोनों ने न सिर्फ टीम को मुश्किल से निकाला, बल्कि अपने इमेज के खिलाफ ग्राउंडेड शॉट्स खेले, सिंगल डबल्स निकाले और बिना रिस्क लिए बाउंड्रीज लगाई। ईशान किशन और हार्दिक पंड्या के बीच 142 गेंद में 138 रन की रिकॉर्ड साझेदारी हुई, जिसके वजह से भारत 48.5 ओवर में 266 रन बना पाया। ईशान किशन ने 82 और हार्दिक पंड्या ने 87 रन बनाए। दोनों आराम से शतक भी लगा सकते थे, लेकिन भारत के टॉप ऑर्डर को बिखेरने वाले शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने ऐसा होने नहीं दिया। पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह ने 10 ओवर में 35 रन देकर सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए, जबकि नसीम शाह और हारिस रऊफ को 3-3 विकेट मिले। इसके पहले भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन उनका यह फैसला पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि टीम ने सिर्फ 48 रन पर अपने 3 विकेट गवा दिए थे और 15 ओवर खत्म होते होते तो 4 विकेट गिर चुके थे और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 66 रन टंगे हुए थे। रोहित शर्मा 11 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए, शुभमन गिल 10 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए, विराट कोहली 4 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। ये टॉप 3 बहुत सस्ते मिनट थे, जिसके बाद श्रेयस अय्यर से उम्मीद थी, उन्होंने शुरुआत ठीक की, लेकिन वो भी हारिस रऊफ की गेंद पर शॉट खेलने के चक्कर में फकर जमा को अपना कैच थमा बैठे। इसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पंड्या की खेल में एंट्री होती है। दोनों ने बढ़िया शॉट्स लगाए। एक वक्त लग रहा था कि शायद टीम इंडिया 300 के पार पहुंच जाएगी, लेकिन फिर पहले ईशान आउट होते हैं, बाद में हार्दिक पंड्या का विकेट गिरता है, उसके बाद में फिर विकेटों की छड़ी लग जाती है। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, ये तीनों जल्दी जल्दी आउट हुए, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 14 गेंद में बहुमूल्य 16 रन बनाए। इसके पहले कि हम उनकी गेंदबाजी भी देखते, वो धार देखते जो पाकिस्तान के खिलाफ हम उम्मीद लगा रहे थे कि जसप्रीत बुमराह इस मैच में दमदार प्रदर्शन करेंगे और वर्ल्ड कप के लिए अपनी फिटनेस पर जो सवालिया निशान है उसे साफ करेंगे, वो जरूर हमें दिख नहीं पाया। लेकिन अब हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि भारत अपने अगले मैच में नेपाल को हराए और एशिया कप के सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर जाए। स्पोर्ट्स डेस्क के लिए अंशुल तलमले की रिपोर्ट।